तो गाइस आज हम देखेंगे 32 फीट बाय 48 फीट हाउस प्लान। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राउंड फ्लोर। एज यू कैन सी हियर इज द ग्राउंड फ्लोर एंड हियर द फर्स्ट फ्लोर। तो हम ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। ये जो है वो प्राइमरी एंट्री और ये सेकेंडरी, मतलब यहाँ से जो है वो पार्किंग की एंट्री है और यहाँ से जो है वो सेकेंडरी एंट्री है और यहाँ से स्टेयरकेस अप है जो फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाएंगे। ये वाला पूरा पोर्शन जो है पार्किंग पोर्शन है। पार्किंग की जो साइज़ है वो 30 फिट 6 इंच बाई 24 फिट 9, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टली 30 फिट 6 इंच और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली 24 फिट 9 इंच, जो कि दो कार और दो टू व्हीलर के लिए है। यहाँ से हम ये जो वाला पोर्शन है वो गार्डन स्पेस है। गार्डन की जो साइज़ है वो 16 फिट 9 इंच बाई 22 फिट 6, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 फिट 9 और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली 22 फिट 6। यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पर है वो पार्किंग, गार्डन स्पेस और सर्वेंट रूम है। मतलब ये जो वाला स्पेस है वो सर्वेंट रूम है। सर्वेंट रूम की जो साइज़ है वो 10 फिट 4 इंच बाई 8, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टली 10 फिट 4 और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली 8 फिट। और यहाँ पे उसके लिए कॉमन टॉयलेट दिया है जो आउटसाइडर्स भी यूज़ कर सकते हैं और ये सर्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो विड्थ है वो 7 फिट 6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो विड्थ है वो 4 फिट 3 और बैक साइड पे हमने ओपन टू स्काई दिया है। यहाँ से हमने एक सेकेंडरी स्टेयरकेस दी है जो कि सर्वेंट के लिए है, जो सीधा किचन में लेके जाएंगे। तो यहाँ से उसकी एंट्री है और यहाँ से मेन एंट्री है जो फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाएगी। तो लेट्स गो फॉर फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ से हम अप हो गए, तो वी आर ड्रॉप्ड हियर। ये वाला जो पूरा पोर्शन है मतलब कट आउट है, मतलब यहाँ पे स्लैब नहीं है। यहाँ पे हमने बालकनी दी है। बालकनी की जो साइज़ है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ है वो 12 फिट 6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ है वो 11 फिट 1 इंच। यहाँ पे हमने सिटिंग स्पेस दी है, ग्रीन सिटिंग स्पेस, मतलब उसकी जो साइज़ है वो 9 फिट बाई 11 फिट 1, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टली 9 फिट और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली 11 फिट 1 इंच। यहाँ से ये मेन एंट्री है। ये वाला पूरा पोर्शन है जो प्राइवेट स्टेयरकेस है जो हमें सेकेंड फ्लोर पर लेके जाएंगे। तो सेकेंड फ्लोर पर जाने के लिए यहाँ से हम स्टेयरकेस में अप होंगे, जो कि अपर फ्लोर जो है वो पूरा बेडरूम वाला प्राइवेट एरिया है। ये जो है लिफ्ट है जो हमें सेकेंड फ्लोर पे लेके जाएगी थ्रू एंड थ्रू। यहाँ पे जो है वो पार्किंग लिविंग रूम स्पेस है। तो लिविंग रूम की जो साइज़ है वो 20 फिट बाई 21 फिट 3, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टली 20 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली 21 फिट 3। ये लिविंग रूम के बाद यहाँ पे ये जो है वो किचन है। किचन की जो साइज़ है वो 16 फिट 1, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 फिट 1 इंच और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली 9 फिट 7 इंच। और यहाँ पे हमने एक कॉमन टॉयलेट दिया है। तो कॉमन टॉयलेट की जो साइज़ है वो 7 फिट 3 इंच बाई 4 फिट 3, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टली 7 फिट 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली 4 फिट 3। और बैक साइड पे हमने OTS दिया है जो कि वो ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पर थ्रू एंड थ्रू जा रहा है। यहाँ पे हमने एक बेडरूम दिया है। ये बेडरूम की जो साइज़ है वो 14 बाई 14, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 फिट और यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 फिट है। यहाँ पे हमने इस बेडरूम के लिए एक अटैच टॉयलेट दिया। तो अटैच टॉयलेट की जो साइज़ है वो 5 फिट 7 इंच बाई 6 फिट 7, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फिट 7 इंच और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली 6 फिट 7। यहाँ पे बैक साइड पे हमने ये वॉश एरिया दिया और ये जो स्टेयरकेसेस है वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आ रहे हैं जो कि सर्वेंट के लिए है। तो यहाँ पे वॉश एरिया है। वॉश एरिया की जो साइज़ है वो 6 फिट 11, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टली 6 फिट 11 और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली 4 फिट 4। तो अगर आपको भी इसी तरह का प्लान करवाना हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू आर कॉन्टैक्ट नंबर दैट आई ऑलरेडी मेंशन ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जस्ट गो एंड चेक इट आउट।